परम पावन परम आराध्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री महाशमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः की क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सत्यं सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। हमारा जो 5 दिवसीय वर्कशॉप चल रहा है हीलिंग के ऊपर, आज उसका 5वां और आखिरी दिन। पिछले 4 दिनों में हमने जाना हीलिंग कैसे की जाए और हीलिंग का महत्व भी समझा क्यों की जाए, इसके बारे में भी हमने जाना, और इसके जो चमत्कार या जो प्रभाव होते हैं उसके बारे में भी हमने बहुत से भाई बहनों के अनुभव भी सुने। तो अब हमारे साथ डॉक्टर मनोज जी दिल्ली से जुड़ चुके हैं। मैं मनोज जी आपसे निवेदन करता हूँ, आप आज का सेशन शुरू करें। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, मैं जतन लाल जी को भी अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ। सभी साधक साधिकाओं को जय जिनेंद्र। सेम एनर्जी के साथ में सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप पोज कर दीजिए गाने को, आनंद मल जी रिकॉर्डिंग को पोज कर दीजिए आप। जी आप सबसे पहले हम अपने सबसे पहले हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कुछ बातें रजिस्टर करते हैं, उसके बाद सेशन पार्ट। जस्ट रिलैक्स, बैठ जाइए। राइट हैंड ऑन योर हार्ट, मेरे साथ में बंद आंख करने के बाद में डीप। जतन जी आपका डिवाइस आड़ा कर लेंगे क्या, आपका फोटो बराबर। जतन जी हाँ अभी ठीक है क्या? आप ठीक है, मेरे साथ में रिपीट करना है। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। ये लाइफ दोबारा से ऐसी नहीं मिलेगी। ये लाइफ दोबारा से ऐसे नहीं मिलेगी। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ, मैं डिक्लेयर करता हूँ कि ऐसी लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। ऐसी लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी हार्ट को हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी हेल्थ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने रिलेशंस को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने रिलेशंस को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ।
यस, मैं अपनी फाइनेंशियल लाइफ को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। यस, मैं तैयार हूँ। यस, मैं तैयार हूँ। मैं अपने आप से वादा करता हूँ। मैं अपने आप से वादा करता हूँ। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। अपनी हेल्थ के बारे में एक ऐसे पॉइंट को सोचें जो आप एक्शन नहीं ले रहे हैं, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है, आपकी हेल्थ अपग्रेड हो सकती है। चाहे आप एक्सरसाइज नहीं करते हो, कोई भी ऐसे एक्शन है उसके बारे में सोचें। आज से उस एक्शन को लेना स्टार्ट करें। यस, मैं अपने आप से वादा करता हूँ। यस, मैं अपने आप से वादा करता हूँ। मैं इस चीज को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस चीज को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। ये लाइफ दोबारा ऐसे नहीं मिलेगी। ये लाइफ दोबारा ऐसे नहीं मिलेगी। मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को चेंज करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, दोनों हाथ खोलकर, यस यूनिवर्स, मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। यस यूनिवर्स, मैं अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। जस्ट रिलैक्स। क्या आप सब लोग अपने आप को चेंज और अपग्रेड करने के लिए तैयार हो? अपने थम्स दिखाएं। थैंक यू सो मच। राइट हैंड ऑन योर हार्ट। मैं आत्मा, मेरी वॉइस के ऊपर फोकस करना है, पिक्चर के ऊपर फोकस नहीं करना है। डीप फीलिंग के साथ में, जितना डीप फीलिंग के साथ में हाथ के मूवमेंट के को करोगे उतना ज्यादा रिजल्ट आएगा। मैं आत्मा परमात्मा की संतान परमात्मा को नमन करता हूँ। हे मेरे परम पिता परमात्मा, मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हुई हो मुझे माफ करना। मेरे परिवार से कोई गलती हुई हो उन्हें भी माफ करना। I love myself. I respect myself. I salute myself. I love God. God loves me. मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं देव कुल की महान आत्मा हूँ। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपने कर्म पर विश्वास है। मुझे अपने डिसीजन पर विश्वास है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ। मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हूँ। सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे हर कर्म में सफलता मेरे साथ है। मुझे अपने आप पर विश्वास है। मुझे अपनी अफर्मेशन पर विश्वास है। मुझे परम पिता परमेश्वर पर विश्वास है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ।
मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं इंस्पायर्ड हूँ, मैं 100% क्लियर हूँ, मैं 100% क्लियर हूँ, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, मैं रियलिटी को एक्सेप्ट करता हूँ, मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है, मेरा जीवन खुशियों से भरपूर है, मेरा जीवन ज्ञान से भरपूर है, मेरा जीवन ज्ञान से भरपूर है, मेरा जीवन शांति से भरपूर है, मेरा जीवन शांति से भरपूर है, मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है, मेरा जीवन प्रेम से भरपूर है, मेरा जीवन आनंद से भरपूर है, मेरा जीवन आनंद से भरपूर है, मेरा जीवन सुख से भरपूर है, मेरा जीवन सुख से भरपूर है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, मैं सफलता का सितारा हूँ, परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है, परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है, मैं शुभ भावना रखने वाली आत्मा हूँ, शुभ भावना रखने वाली आत्मा, मैं शुभ कामना करने वाली आत्मा हूँ, मैं शुभ कामना करने वाली आत्मा हूँ, मैं सफलता के नशे में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं सफलता के नशे में रहने वाली आत्मा हूँ, मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने वाली आत्मा हूँ, मैं अपना और अपने परिवार का नाम बुलंद करने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, मैं हमेशा निश्चय के साथ आगे बढ़ने वाली आत्मा हूँ, मेरे कर्म ने इतिहास रच दिया है, मेरे कर्म ने इतिहास रच दिया है, मैं सुखमय संसार में जीवन जीने वाली आत्मा हूँ, मैं सुखमय संसार में जीवन जीने वाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत भाग्यवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं बहुत धनवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है, परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं प्रकृति जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं माया जीत हूँ, मैं जगत जीत हूँ, मैं जगत जीत हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं एक एनर्जी हूँ, मैं इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूँ, मैं इस यूनिवर्स से जुड़ा हुआ हूँ, ये यूनिवर्स मुझसे जुड़ी हुई है, ये यूनिवर्स मुझसे जुड़ी हुई है, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को जानता हूँ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य को जानता हूँ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर काम करता हूँ, मैं अपने जीवन के लक्ष्य के ऊपर काम करता हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी डिसीजन पावर परफेक्ट है, मेरे डिसीजन पावर परफेक्ट है, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को जानता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ, मैं अपनी शक्तियों को पहचानता हूँ, मेरी अपनी एक अलग पहचान है, मेरी अपनी एक अलग पहचान है, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मुझे किसी बात का कोई डर नहीं है, मैं बेफिकर बादशाह हूँ, मैं बेफिकर बादशाह हूँ, मैं मोटिवेटेड हूँ,
मैं मोटिवेटेड हूँ, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने आप पर विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मुझे अपने कर्म पर विश्वास है, मैं भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं भविष्य को ध्यान में रखकर कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीवन जीने वाली आत्मा हूँ, मैं पास्ट को भूलकर प्रेजेंट में जीवन जीने वाली आत्मा हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं मेरे आज के दिन के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आज के दिन के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आने वाले कल के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आने वाले कल के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं अपने कर्म की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं अपने कर्म की 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई सक्सेस, आई एम द क्रिएटर ऑफ माई सक्सेस, नोबडी कैन स्टॉप मी, नोबडी कैन स्टॉप मी, मैं 100% क्लियर हूँ, मैं 100% क्लियर हूँ, मैं क्लियर डिसीजन लेता हूँ, मैं क्लियर डिसीजन लेता हूँ, मैं हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता हूँ, मैं हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता हूँ, मैं हमेशा समाधान पर फोकस करता हूँ, मैं हमेशा समाधान पर फोकस करता हूँ, मैं एक रहम दिल आत्मा हूँ, मैं एक रहम दिल आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, मेरे सिर पर जिम्मेवारी का ताज है, मेरे सिर पर जिम्मेदारी का ताज है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं मेरे आज के दिन के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आज के दिन के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आने वाले कल के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे आने वाले कल के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे परिवार के लिए ईश्वर का आभारी हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार करता हूँ, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे पेरेंट्स भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे से बिना किसी कंडीशन के बहुत प्यार करते हैं, हम एक दूसरे से बिना किसी कंडीशन के बहुत प्यार करते हैं, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं मेरे लाइफ पार्टनर के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत प्यार करता हूँ, मैं अपने लाइफ पार्टनर से भी बहुत प्यार करता हूँ, मेरा लाइफ पार्टनर भी मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरी लाइफ पार्टनर भी मुझसे बहुत प्यार करती है, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे का सम्मान करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे पर विश्वास करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं, हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हमें एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगती है, हमें एक दूसरे की बातें बहुत अच्छी लगती है, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं बहुत खुश नसीब हूँ, मैं मेरे बच्चों के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ,
मैं मेरे बच्चों के लिए भी ईश्वर का आभारी हूँ। मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने बच्चों से भी बहुत प्यार करता हूँ। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मेरे बच्चे भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं। हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हम एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान हैं। मेरे बच्चे चरित्रवान हैं। मेरे बच्चे चरित्रवान हैं। परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मैं बहुत भाग्यवान हूँ। मेरे बच्चों ने मेरे कुल का नाम रोशन करने के लिए मेरे घर में जन्म लिया है। मेरे बच्चों ने मेरे कुल का नाम रोशन करने के लिए मेरे घर में जन्म लिया है। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैं मेरे स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मैं मेरे स्वस्थ शरीर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। मैं स्वस्थ हूँ, फिट हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ। मैं एनर्जेटिक हूँ। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। मेरा इम्यून सिस्टम बहुत पावरफुल है। मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है। मेरा डाइजेशन सिस्टम बहुत स्ट्रोंग है। मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है। मेरे हार्मोन्स बैलेंस्ड है। मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है। मेरा ब्लड प्यूरिफिकेशन सिस्टम परफेक्ट है। मेरा थायराइड लेवल परफेक्ट है। मेरा थायराइड लेवल परफेक्ट है। मेरा हार्ट फुली फंक्शनल है। मेरा हार्ट फुली फंक्शनल है। मैं हेल्दी और टेस्टी फूड को एंजॉय करता हूँ। मैं हेल्थी और टेस्टी फूड को एंजॉय करता हूँ। आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ। आई लव टू मेंटेन माई सेल्फ। आई लव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। आई लव टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ। मेरा परिवार भी सुरक्षित है। मेरा परिवार भी सुरक्षित है। परमात्मा की शक्तियों का शक्तिशाली आभा मंडल। परमात्मा की शक्तियों का शक्तिशाली आभा मंडल मेरे चारों तरफ है। मेरे चारों तरफ है। मेरे परिवार के भी चारों तरफ है। मेरे परिवार के भी चारों तरफ है। ये बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। ये बहुत शक्तिशाली आभा मंडल है। इस आभा मंडल में कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। इस आभा मंडल में कोई भी वायरस प्रवेश नहीं कर सकता। कोरोना भी प्रवेश नहीं कर सकता। कोरोना भी प्रवेश नहीं कर सकता। मैं मेरे सक्सेसफुल कैरियर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मैं मेरे सक्सेसफुल कैरियर के लिए ईश्वर का आभारी हूँ। मैं अपने काम में मास्टर हूँ। मैं अपने काम में मास्टर हूँ। मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। मैं सुपर टैलेंटेड हूँ। मैं वैल्यू गिवर हूँ। मैं वैल्यू गिवर हूँ। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने काम से बहुत प्यार करता हूँ। मैं अपने काम को करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। मैं अपने काम को करते हुए बहुत इंजॉय करता हूँ। मेरे लिए मेरे सारे काम करना बहुत आसान है। मेरे लिए मेरे सारे काम करना बहुत आसान है। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। मैं एक रिस्पॉन्सिबल आत्मा हूँ। मैं हमेशा समाधान पर फोकस करता हूँ। मैं हमेशा समाधान पर फोकस करता हूँ।
मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ। मैं अपने काम की 10 गुना वैल्यू देता हूँ। मैं हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता हूँ। मैं हमेशा ग्रोथ पर फोकस करता हूँ। मेरे पास जितनी भी धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मेरे पास जितनी भी धन दौलत और सेविंग्स है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैंने अभी तक जितना भी पैसा कमाया है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैंने अभी तक जितना भी पैसा कमाया है उसके लिए मैं ईश्वर का आभारी हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। आई लव टू मेक मनी। आई लव टू मेक मनी। आई लव एडिंग वैल्यू। आई लव एडिंग वैल्यू। आई लव सेलिंग। आई लव सेलिंग। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं जेन्युइन हूँ। मैं जेन्युइन हूँ। मैं जेन्युइन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। मैं जेन्युइन लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। मैं ट्रस्टवर्दी लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। मैं ट्रस्टवर्दी लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करता हूँ। आज 31 जुलाई है। आज 31 जुलाई है। मैंने अपने वेल्थ गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मैंने अपने वेल्थ गोल को ऑलरेडी अचीव कर लिया है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं अपने सभी कार्मिक अकाउंट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। मैं अपने सभी कार्मिक अकाउंट ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। अब मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ। अब मैं फाइनेंशियल फ्री हूँ। आई एम मेकिंग ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एवरी डे। I am making a huge amount of money every day. मेरे पास मेरी जरूरत से हमेशा ज्यादा पैसे रहते हैं। मेरे पास मेरी जरूरत से हमेशा ज्यादा पैसे रहते हैं। मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। मैं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कुछ भी खरीद सकता हूँ। I can afford everything. I can afford everything. Growth मेरी top priority है। Growth मेरी top priority है। मैं आज से growth पर focus करता हूँ। मैं आज से growth पर focus करता हूँ। मैं आज से अपने आप को change और upgrade करने के लिए तैयार हूँ। मैं आज से अपने आप को change और upgrade करने के लिए तैयार हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं बहुत खुश नसीब हूँ। मैं ही प्रेम हूँ। मैं ही प्रेम हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ। मैं ही ज्ञान हूँ। मैं ही सुख हूँ। मैं ही सुख हूँ। मैं ही शांति हूँ। मैं ही शांति हूँ। मैं ही सफलता हूँ। मैं ही सफलता हूँ। एक हाथ रेज करके ऊपर बोलना है, मैं सुपर सक्सेसफुल हूँ। मैं सुपर सक्सेसफुल हूँ। यस मैं सुपर सक्सेसफुल हूँ। यस मैं सुपर सक्सेसफुल हूँ। मैं एक निरोगी आत्मा हूँ। मैं एक निरोगी आत्मा हूँ। यस मैं एक निरोगी आत्मा हूँ। यस मैं एक निरोगी आत्मा हूँ। मैं मोटिवेटेड हूँ। मैं मोटिवेटेड हूँ। यस मैं मोटिवेटेड हूँ। यस मैं मोटिवेटेड हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। यस मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। यस मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ। मैं एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजर हूँ। यस मैं एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजर हूँ। यस मैं एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजर हूँ। यस मैं एक एक्सीलेंट टाइम मैनेजर हूँ। मैं एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। मैं एक एक्सीलेंट रिलेशनशिप मैनेजर हूँ। आई एम अमेजिंग।
आई एम अमेजिंग. यस आई एम अमेजिंग. यस आई एम अमेजिंग. आई एम द बेस्ट. आई एम द बेस्ट. मैं परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. मैं परमात्मा की संतान मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. मैं प्रेम स्वरूप आत्मा हूँ. मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ. मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक शांति स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक आनंद स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक सुख स्वरूप आत्मा हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है. परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है. परमात्मा ने मुझे सफलता का वरदान दे दिया है. मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ. मैं परमात्मा की शक्तियों से भरपूर हूँ. मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हूँ. मैं परमात्मा के वरदानों से भरपूर हूँ. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू सो मच यूनिवर्स. थैंक यू सो मच गॉड. एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं. जो सिक्योरिटी का इशू बच्चे के लिए हम अफर्मेशन करते हैं, मेरे बच्चे बहुत बुद्धिमान है, परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित है. जो कोई भी बच्चा घर से बाहर जाता है उसके साथ में एक अफर्मेशन करना है. 11 बार अफर्मेशन करने से बच्चा है कभी कभी नहीं भी करता है, आप उसके साथ में मिलकर अफर्मेशन करवा सकते हो. आपका बेटा है, आपकी बेटी है, जैसे भी आजकल सिक्योरिटी का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है. ऑलरेडी जो मेरे क्लाइंट है उनके साथ में मैं करता हूँ इस चीज को, और उनको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं. जो स्टूडेंट है मेरे साथ में, जो मेरे क्लाइंट है, जब भी वो घर से बाहर निकलते हैं तो मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. रिपीट करना है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. मैं एक पवित्र आत्मा हूँ. ऐसे 11 बार रिपीट करने से मैं परमात्मा की छत्र छाया में सुरक्षित हूँ. ऐसा 11 बार रिपीट करने से किसी की जो गंदी नजर है उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगी, क्योंकि वो पॉजिटिव ओरा के अंदर ऑलरेडी अपने आप को कैप्चर कर चुकी होगी. उसके चारों तरफ पॉजिटिव ओरा बन चुका होगा. तो जब भी आपकी बहन बेटी कोई बाहर जाती है तो उस अफर्मेशन को पक्का इस्तेमाल कर सकते हो आप. बच्चे होते हैं, बच्चे करते नहीं है, लेकिन आप बच्चे के साथ में मिलकर उस घर से निकलते वक्त उसके साथ में 2 मिनट लगेगा, उस अफर्मेशन को यूज कर सकते हो. आई होप ये क्लियर है अफर्मेशन. यस सर. घर से निकलने के लिए आप भी खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप सेफ रहो. आपका जो पैसा है, पर्स वगैरह है, आप खुद भी इस्तेमाल कर सकते हो. दूसरा एक चीज है, चीज मनी माइंडसेट के बारे में. आजकल जो क्या होता है, हमारे पास में महीने के अंदर जितना भी पैसा आता है उस पैसे का महीने के लास्ट तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है. ऐसा ही होता है सभी के साथ में. किन किन के साथ में ऐसा होता है, आप रेज कीजिए प्लीज. ऐसा कैसे होता है, इसका रीजन है कैसे, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. आसान से आसान एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं. जैसे एक रूम के अंदर एसी लगा हुआ है, एसी का टेम्परेचर अगर हम 20 डिग्री पर सेट कर देते हैं, 22 डिग्री पर सेट कर देते हैं, तो रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री बना रहेगा. बाहर गर्मी हो रही है, चाहे बरसात हो रही है, कैसा भी मौसम है, रूम का टेम्परेचर 20 डिग्री ही बना रहेगा या कम डाउन हो जाएगा, अप डाउन हो जाएगा? ऐसे ही जो हमारे माइंड के अंदर जो हमारा सिस्टम लगा हुआ है, मनी माइंड सेट जो बना हुआ है, उसके अंदर वो सेट है कि अगर आपके पास 50,000 रुपए आएगा या 1,00,000 रुपए भी आ जाएगा
तो उसको खाली हो जाना है। बहाना कुछ भी होगा, चाहे हमारी शॉपिंग का बहाना होगा, चाहे कोई मेडिकल एक्सपेंस आ जाएगा, या कहीं और से रिक्वायरमेंट आ जाएगी, कोई हमारी पॉलिसी ड्यू हो जाएगी, कुछ ना कुछ रीजन से वो आने वाला पैसा खाली हो ही जाएगा। जब तक उस माइंड सेट को चेंज नहीं करेंगे तब तक वो पैसा रुकने वाला नहीं है। उस माइंड सेट को चेंज करना बहुत ही जरूरी है। इस माइंड को सेट करने के लिए कुछ चीजें आप खुद भी कर सकते हो अपने आप। मैं एक एक्सीलेंट मनी मैनेजर हूँ, इसका भी कर सकते हो उपयोग। साथ में मैं अपने कोर्स के अंदर एक मंथली पीएमडीएस सिस्टम अपडेट कराते हैं कि भाई कितने पैसे को सेविंग्स करना चाहिए, कितने पैसे को आप अपने काम के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, कितने पैसे को खर्च करना चाहिए। उस सिस्टम को जब आप फॉलो करते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर आप अपने पैसे की बचत करना स्टार्ट कर देते हो। तो ये आपको हेल्प करता है आपके सेविंग्स करने के लिए, जो आपका मंथली एक्सपेंडिचर, जो मनी माइंड सेट, जो आपका है कि भाई हर महीने खर्च हो ही जाना है पैसा, उस चीज को कवर करने के लिए ये आपको बार बार प्रेशर करेगा। कोई एक्सपेंस आएगा, कुछ ना कुछ आपका कोई गाड़ी की सर्विस आ जाएगी, या कुछ ना कुछ ऐसा मेडिकल एक्सपेंस की वजह से वो पूरा का पूरा पैसा खर्च हो जाएगा, मोबाइल ही टूट जाएगा, कुछ नहीं और होगा तो होता है ऐसा सभी के साथ। तो इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना है धीरे धीरे, जो चीजें आपने 5 दिन के सेशन में सीखा है, जो भी चीजें आपको याद रहती है। आनंद मल जी जी, किसी का कोई बहुत ही सुंदर तरीके से आपने हमें बताया एफर्मेशन का महत्व क्या होता है, कैसे हम अपने आप को बदल सकते हैं अनुचिंतन के द्वारा, ऑटो सजेशन के द्वारा। आजकल विज्ञान भी इस बात को मानती है, डॉक्टर्स भी कहते हैं कि डॉक्टर्स भी आजकल बीमारी का इलाज करते हैं ऑटो सजेशन के द्वारा करते हैं। बहुत सी ऐसी पद्धतियां आज डेवलप हो चुकी है ऑटो सजेशन के द्वारा, हम कठिन से कठिन यहाँ तक कि कैंसर तक का इलाज भी आजकल ऑटो सजेशन के द्वारा हो रहा है। तो आपने बहुत ही सुंदर तरीके से 5 दिन का जो सेशन हमारा लिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अभी हम जिज्ञासा समाधान में सबको अनम्यूट ऑप्शन देने वाले हैं। उससे पहले मैं सूचना है वो दे देता हूँ, कल मंगलवार है, जैसा कि आप सबको मालूम है मंगलवार का दिन अलकाजी शाखला का दिन है, और आओ हम जीना सीखें उनकी जो श्रृंखला चल रही है वो कल जुड़ेंगी हमारे साथ। बहुत से भाई बहनों के समस्याओं के जो लिए मैसेज आ रहे थे, पाइल्स या बवासीर के प्रॉब्लम के लिए कुछ हो तो बताइए। तो मैंने मुंबई की डॉक्टर निरंजना सालगिया जी से संपर्क किया, वो इस विषय में हमारा मार्गदर्शन परसों बुधवार को सुबह 6:30 बजे इसी क्लास में देंगी। पाइल्स से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम है, उससे इंटरनल पाइल हो या एक्सटर्नल पाइल हो, कोई भी पाइल्स हो, उसके लिए हम कैसे उसको कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे उस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं, इसके लिए परसों निरंजना जी सालगिया हमारे साथ जुड़ने वाली है, उनके सेशन को भी आपको जरूर अटेंड करना है। तो अभी आपको अनम्यूट ऑप्शन दिया जा रहा है, आप अपने आप को अनम्यूट कर पाएंगे। यस, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ नाउ। जिनको भी कुछ कहना हो अपने आप को अनम्यूट करें, अपनी बात रखें। सुचेता जी गांधी बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़ी है, काफी दिनों बाद, बाहर गई हुई थी, पुणे में नहीं थी इसलिए जुड़ नहीं पा रही थी, आज जुड़ी है। अपने आप को अनम्यूट कीजिए सुचेता जी, अनम्यूट ऑप्शन आपका चालू। एक मिनट, यस दे रहा हूं, 1 मिनट। जय जिनेन्द्र सर, सभी को जय जिनेन्द्र। मैंने तो आज बहुत ही एंजॉय किया, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा मुझे सर। करीब करीब आप 1 महीने तक एब्सेंट थी मेरे ख्याल से।
हाँ सर, बहुत डेढ़ डेढ़ महीना से एब्सेंट थी, बहुत मिस किया था, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम था थोड़ा, इसीलिए नहीं जुड़ पाई सर। आपको अच्छा लगा ये जानकर, हमें भी अच्छा लग रहा है। आज का तो सेशन मैंने अटेंड किया, बहुत अच्छा लगा आज का, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मनोज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद, जतन भाई को भी। नितिन जी कुछ कहना चाहते हैं अपने आप को? हाँ, जय जिनेन्द्र। मैं ये पूछना चाहता था डॉक्टर साहब, बच्चों को इन्फॉर्मेशन देना है तो मतलब फिर हमने क्या करना है, मतलब उनका हाथ पकड़ना है या कैसा इन्फॉर्मेशन उनके साथ में कैसा देना है? डॉक्टर साहब आप म्यूट हो गए, अपने आप को अनम्यूट करके आप बोलिए। अपने आप साथ में खड़े हो जाना है बच्चे के, आमने सामने खड़े हो सकते हो, साथ में खड़े होकर उसको बुलवा सकते हो, जैसे नॉर्मल आपस में बातें करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, चलेगा। जैसे जैसे क्या है कि उनको इस बात पर बिलीव नहीं रहता है ना, तो हम मन में भी बोल सकते हैं ना उनके बाजू में बैठ के? नहीं, बच्चों को बुलवाना है ना, बच्चों का हो रहा तो बच्चों के बोलने से ही बनेगा ना। अच्छा अच्छा, ओके ओके। हाँ, अपना आभा मंडल तो तभी क्रिएट होगा जब अपन जो खुद जिसके ऊपर अपने को करना है वो खुद बोलेगा या न बोले, तो अपन उसके साथ में उसको सुना सकते हैं। जब सुना देंगे तो वो ओरा तैयार हो जाएगा उसके लिए। अच्छा, ऐसा ही है ना सर? ऐसा ही है। हाँ डॉक्टर साहब, एक पॉइंट और मेरे को क्लियर करना था। हाँ बोलिए। आपने राइट हैंड को हार्ट पे रखने के लिए बोला, तो कई भाई बहनों ने लेफ्ट हैंड को रखा था दूसरी साइड, तो राइट हैंड ही रखना चाहिए या लेफ्ट हैंड रखने से क्यों हो सकता है? नहीं, राइट हैंड रखिए, राइट हैंड करने से हार्ट तो साइन में है ना, लेफ्ट साइड में है। राइट हैंड का कई भाई बहनों ने लेफ्ट हैंड रखा था उल्टी साइड में, तो क्या वो सही है क्या? अगर कोई लेफ्ट हैंड रखता है तो कोई लेफ्ट हैंड ही है तो भी चल जाएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। अच्छा अच्छा, हाथ कोई भी रख सकते हैं। हाँ, कोई लेफ्टी है तो वो लेफ्ट हैंड रख सकता है, क्योंकि वो लेफ्ट हैंड उसको ज्यादा फायदा करेगा, लेफ्ट हैंड में कंफर्टेबल रहता है, इसलिए लेफ्ट भी रख सकता है। हाँ, कोई इशू नहीं है उसमें। नहीं, हार्ट के ऊपर ही रखना चाहिए ना, ये पूछ रहा हूँ। हार्ट रखना, हार्ट के ऊपर रखने से क्या होता है, फीलिंग ज्यादा जनरेट होती है, जो इमोशंस है ज्यादा जनरेट होते हैं। इस यूनिवर्स में इमोशंस ही काम करते हैं हमारे, जो एनर्जी है, क्योंकि हम हमारी लैंग्वेज हिंदी है, कोई पंजाबी, कोई गुजराती, कोई मराठी, कोई फ्रेंच, अलग अलग देश के सबकी अलग अलग लैंग्वेज है, लेकिन जो यूनिवर्स समझती है हमारे जो इमोशंस जनरेट होते हैं हमारे सोच विचार करने से, उस लैंग्वेज को ये यूनिवर्स समझती है और उसी के हिसाब से हमारे को फल देती है। राजकुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। आप प्रणाम सर, राजकुमार दुबट हैदराबाद जी, बोलिए। मैं अगर ये वीडियो तो ठीक है, सेशन चार दिन का कंप्लीट किया है, मैंने भी देखा है हर रोज, अगर आगे मुझे इसको रिपीट करना है तो ये यूट्यूब पे या और काम है इसको देख के रोज इसका प्रैक्टिस कर सकता हूँ, जरा मुझे मार्गदर्शन दीजिए जी। इनकी डॉक्टर साहब की क्लास चलती है शाम को 8:30 बजे, रेगुलर क्लास, मंथली क्लास चलती है, उसके लिए हमने बताया भी था, उसके मंथली चार्जेस कुछ है 1000 रुपया महीना शायद वो चार्ज है, तो आप चार्ज पे करके आप उनकी क्लास में ज्वाइन कर सकते हो। उनका नंबर आपको कल बताया था या अभी एक बार दोबारा बता दे डॉक्टर साहब, अपना नंबर बता दीजिए आप ताकि नोट कर ले। 7 को जो क्लास हम शाम को चलाते हैं, 8:30 बजे चलाते हैं, जिसमें 8:30 बजे चलती है डेली, हर रोज शाम को 8:30 बजे जूम प्लेटफॉर्म के ऊपर होती है। 8:30 से 9 बजे 9, 9:15 भी हो जाते हैं, कभी कभी क्वेश्चन आंसर होता है तो 9:15 भी हो जाता है, लेकिन सेशन अप्रोक्सीमेट आधे घंटे का ही होता है। ठीक है। उसकी जो उसके अंदर हम टेंशन को रिड्यूस करने का सारे प्रोसेस को धीरे धीरे, आज टेंशन को रिड्यूस करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं लेता, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो तो डॉक्टर भी आपको नींद की टेबलेट दे देता है, लेकिन इस प्रोसेस से मैं गारंटी ले रहा हूँ लोगों के जो स्ट्रेस दूर हो रहा है, टेंशन दूर हो रहा है, 100% गारंटी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहा हूँ। ठीक है। क्योंकि ये जो टेक्निक है ये मेडिटेशन की कंबाइंड टेक्निक है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की भी कंबाइंड टेक्निक है, इसके अंदर ब्रेन के भी साइक्लोजी रूल इंक्लूड किए हुए हैं,
और भी कुछ एडवांस टेक्निक में कोर्स कर रहा हूँ जो इन चीजों को आने वाले समय के अंदर इसके अंदर इंक्लूड करूंगा, ताकि ये क्लाइंट को बेटर से बेटर रिजल्ट मिल सके, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, उनको फायदा देने के लिए इसका एक रीजनेबल अमाउंट रखा है, ताकि हर एक इंसान उसको फायदा उठा सके। 1,000 रुपए 30 दिन के लिए सेशन का रुपए फीस रखी है टोटल। आप नंबर आपका 8130 6206207444। बहुत बहुत ये आप ये YouTube वगैरह किसी से Google से पे कर सकते हैं ना? हाँ, गूगल पेटीएम से किसी से भी पे कर सकते हो। ऑलरेडी क्लाइंट आए हैं मेरे पास में सेशन के अटेंड करने के बाद में, जिनको बेनिफिट मिलना स्टार्ट हुआ है वो डेफिनेटली ज्वाइन कर चुके हैं ऑलरेडी। ओके, सो नाइस ऑफ डॉक्टर, आई हैव एंजॉयड योर कंपनी, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच सर। मैं मैसेज में डाल देता हूँ, कोई स्क्रीनशॉट भी ले सकता है नंबर का। इसी सेशन का जो मैं बात कर रहा हूँ, 1,000 रुपए फीस रखी है, इस सेशन को मैं 1-to-1 कंडक्ट करता हूँ, उसके 10,000 रुपीज लेता हूँ एक महीने के फीस। तो कुछ मेरे पास में ऐसे क्लाइंट्स के फोन आए, कुछ लेडीज थी जो परेशान थी, कुछ रिलेशनशिप में इशू थे, कुछ स्टूडेंट थे। यहाँ पर एक स्टूडेंट है मेरे पास में, निकिता भारद्वाज। निकिता जी अनम्यूट कीजिए, इनका फोन आया मेरे पास में, सर मैं बहुत टेंशन में हूँ, पढ़ाई का समय है, कोविड का सिचुएशन है, लेकिन मैं आपकी 10,000 रुपी फीस नहीं दे सकती। तो इन और भी क्लाइंट के फोन आए काफी, तो इन सब बातों को ध्यान में रखकर एज ए समाज सेवा लगा लो जैसे भी है, मैंने इसको फीस को डिसाइड किया कि कम से कम एक रीजनेबल अमाउंट में एक सब लोगों तक पहुंच सके और लोगों तक अच्छा फायदा मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने 5 दिन तक जो सेशन लिया, जिन्होंने भी अटेंड किया उनके रग रग में जोश और जुनून कैसे भर जाता है, हमने देखा लोगों के चेहरे से मालूम पड़, जो भी हमारे साथ जुड़े हुए जिनके भी वीडियो चालू थे मैं देख रहा था, सब जोश में भर रहे थे, एक जुनून जैसे सवार हो जाता है। इस तरह से आपने पूरी पूरी जोश और ताकत के साथ जो प्रयोग करवाया उसके लिए 5 दिन का सेशन आपका बहुत ही प्रभावशाली, बहुत ही बढ़िया रहा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योग केंद्र की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार ज्ञापन करता हूँ। थैंक यू सो मच। ये 5 दिन का हमारा सेशन आज यही समाप्त इसका हो रहा है, हम चाहेंगे भविष्य में भी आपसे इसी तरह हम जुड़े रहे, आपको फिर आमंत्रित करें तो आप हमारे साथ निश्चय जुड़ेंगे और हमारे फिर से हमारा मार्गदर्शन आप इसी तरह करते रहेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ। हमारे पास एक बात और कहना चाहता हूँ, ये नोट ये जो सेशन कंडक्ट करता हूँ केवल ऐसा नहीं है कि टेंशन को रिड्यूस करने के लिए है, इसके साथ साथ जो हमारे रिलेशनशिप में इश्यू है, हमारे वाइफ के, हमारे लाइफ पार्टनर के साथ में, हमारी वाइफ, हमारे बच्चों के साथ में, किसी के साथ में भी रिलेशनशिप का इश्यू है, वो सब चीजें इस सेशन में कवर करते हैं। आज बहुत बड़ा इशू बना हुआ है रिलेशनशिप का, अपनी बहू के साथ नहीं बन रही है, अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं बन रही है, तो उन सब चीजों को इस सेशन में मैं कवर करता हूँ और डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं सभी क्लाइंट को, रिलेशनशिप में इंप्रूवमेंट हो रही है सब चीजों में, हेल्थ के साथ साथ टेंशन को रिड्यूस करना, करियर में ग्रोथ, बिजनेस के अंदर ग्रोथ, जतनलाल जी इनको बिजनेस में, ये बिजनेस करते हैं, बिजनेस में भी बहुत अच्छी ग्रोथ मिल रही है, सभी एस्पेक्ट को मैं कवर करता हूँ इस सेशन में। टेंशन का अकेले का काम नहीं है, क्योंकि टेंशन तभी दूर होगी जब इंसान अपनी हेल्थ भी बेटर करेगा, अपने रिलेशनशिप भी बेटर करेगा, अपने करियर में उसकी ग्रोथ होगी, सभी चीजों का कॉम्बिनेशन करता हूँ इस सेशन का। सर सर, ये जैसे बच्चों को आजकल गेम्स, वीडियो गेम्स, ये सब मोबाइल पे गेम्स वाली बहुत आदत पड़ गई है, उसको हम कैसे बच्चे के लिए पढ़ाई के लिए उसके अफर्मेशन कराना पड़ेगा। पढ़ाई के लिए मैं रिपीट कर देता हूँ, मेरे साथ में रिपीट कीजिए एक बार, बच्चे को कराना पड़ेगा ये अफर्मेशन, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, पढ़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं स्टडी को एंजॉय करता हूँ, मैं अपने टाइम को यूटिलाइज करता हूँ। जब इस तरह की अफर्मेशन बच्चे के साथ साथ बार बार रिपीट करोगे तो उसकी समझ में आएगा और वो धीरे धीरे पढ़ाई के ऊपर भी फोकस करना स्टार्ट कर देगा। बच्चे के साथ में रिपीट करानी पड़ेगी इस अफर्मेशन को। मैं आपसे बात करती हूँ फिर।
पक्का श्योर जी प्लीज बहुत अच्छा लगा मैं ज्वाइन जी प्लीज मैं सभी सभी से सादर जय जिनेंद्र कर रहा हूँ और मैंने अपने लाइफ में जो चेंज लाए हैं आप खुद सब साक्षात देख ही रहे हो और मैं बहुत ज्यादा नहीं कुछ कहना चाहता लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि जन सर से हमने जो सीखा है आप भी उसको सीखिए और अपने लाइफ में चेंजिंग लाइए सिर्फ मेरे बोलने से नहीं आपको जो देखने में मिल रहा है साक्षात जो दिखाई दे रहा है उसके आधार पर अपना चयन कीजिए अपनी बातों पर ये नहीं कि भाई मेरे कहने से आप विश्वास कर लें और जुड़ जाइए नहीं आज आपने पांच दिनों में जो देखा होगा आज मेरा अकेले का नहीं बहुत सारे लोगों के अनुभव आए हैं और बहुत सारे लोग जो इस संसार में देख करके और अपने आप को जिस तरह से जुनून से अपने आप को दिखाई दे रहे हैं उससे आपको खुद साक्षात लग रहा होगा कि सर ने जो इतने दिनों से कराया हमें सिखाया उसमें कितनी अच्छी इम्प्रूवमेंट है और कितना आप आगे और अपने आप को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो मेरा सभी से यही निवेदन है आप जरूर जरूर हमारे साथ में साढ़े आठ सर का जो सेशन होता है कोशिश करें जुड़ने की और फायदा उठाएं उससे ज्यादा और मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सबका जो आपने मुझे इतना समय दिया और आपने मेरे समय का करने में अभी हम समापन की ओर चलेंगे हमारे पांच दिन के जो सेशन हुए हैं इसमें से पहला दूसरा और तीसरा तीन दिन के वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड हो चुके हैं आप वहाँ तीनों वीडियो देख सकते हो चौथे दिन का वीडियो आज सुबह अभी थोड़ी देर में आ जाएगा और आज का वीडियो कल आ जाएगा चैनल पे आप चैनल पे जाके पांचों दिन के वीडियो आप देख पाएंगे तो पहले तीन दिन के वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं दोनों हाथ जोड़ते हुए साथ साथ मेरे साथ साथ सभी बोलेंगे मैं चैतन्यमय हूँ मैं आनंदमय हूँ मैं शक्तिमय हूँ मेरे भीतर अनंत चैतन्य का अनंत आनंद का अनंत आनंद का अनंत शक्ति का अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है मंगल भावना हमारा आज का दिन मंगलमय हो आनंदमय हो शांतिमय हो ये शुभ भावनाओं के साथ ओम ओम शांति 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 कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं हम सब गुरुदेव के आभारी हैं कृतज्ञ हम सब गुरुदेव के आभारी हैं हम